कोरोना संक्रमण के कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा को कैंसिल करने का फैसला किया था। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा को लॉकडाउन खुलने के 8 से 10 दिन के भीतर आयोजित कराने की बात कही गई थी। इसे लेकर जयपुर मुख्यालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तीनों मंत्री मौजूद रहे। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष धर्मपाल जारोली और सचिव मेघना चौधरी भी शामिल हुए, जिन्होंने सभी व्यवस्थाओं की जानकारी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दी। इनमें सारी संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। सारे मंत्री, शिक्षा मंत्री से संबंधित तीनों मंत्री थे, टेक्निकल, संस्कृत और स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सभी ने अपने अपने विचार रखे, हमने अपने विचार रखे। अब सारा मंथन होकर के जो डिसीजन सरकार देगी उसके अनुसार परीक्षाएं होगी। किस विषय पर चर्चा हुई है? सभी पे हुई है, स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल, सभी में सारा एग्जाम्स के लिए ही हुई है सारी चर्चा कि परीक्षाएं करवाई जाए तो कैसे करवाई जाएगी, कब करवाई जाएगी। सबने अपने अपने विचार रखे हैं, टेंथ के लिए भी हुई, ट्वेल्थ के लिए भी हुई, कॉलेज, टेक्निकल, सभी के लिए। टेंथ के लिए भी यही हुई, एक CBSE का वर्जन था वो भी रखा है, परीक्षाएं नहीं करवाने का वर्जन भी था, परीक्षाएं करवाई जाए इस पर भी सहमति थी। सबने अपने अपने विचार रखे। फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, वहाँ पे उच्च स्तर पे मुख्यमंत्री जी, उनका जो भी इनर कॉर्नर बैठ के जो डिसीजन लेगा वो।